ठीक है इमरान भाई, क्या बता रहे जी थे आप मुझे? देखिए, ब्रीडिंग के लिए अगर अपन बात करें तो चार प्रोडक्ट की खास तौर से जरूरत रहती है। जी, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कैल्शियम है अपने पास, दो तरीके के कैल्शियम है, ये आर ग्रो, आर ग्रो करके कैल्शियम है जी, जो कि ब्रीडिंग लॉफ्ट के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, उसके बाद आते हैं लेवर टॉनिक के ऊपर। लेवर टॉनिक मेरे पास तीन एक ब्रांड है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड्स। और उसके बाद अगर आते हैं मल्टी विटामिन देना, जो कि ग्रोथ बूस्टर्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, क्योंकि बच्चे को जब माँ बाप दाना खिलाएंगे, जब माँ बाप एज का पानी पियेंगे और बच्चों को पिलाएंगे, तो बच्चों की ग्रोथ जल्दी बढ़ेगी उससे। तो ग्रोविक्स करके एक मेरे पास जी, और एक या यूनिप्रोमिन करके। सिर्फ कंपोजिशन सबकी सेम रहती है, सिर्फ प्राइस का डिफ्रेंशिएशन होता है। और अभी बारिश के अंदर खासतौर से इस एक ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ मैं जी, इम्यूनो बूस्ट। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, बारिश के अंदर कबूतर इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि भीगते भी है कबूतर और ज़रा से भीगने में ही सुन हो जाते हैं कबूतर। कबूतर पालने वाले व्यक्ति को, हर इंसान को ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि बारिश सबसे नाजुक समय रहता है। तो उसके लिए खास तौर से ये मेरे पास आया विटामिन एच है इसके अंदर। मेन जो प्रमोशन का है वो बायोटिन करके है, जो कि नॉर्मली विटामिन एच बोलते हैं उसे। और अगर एंटीबायोटिक में देखेंगे, आपको एंटीबायोटिक की मैं कंप्लीट रेंज दिखा सकता हूँ मैं आपको, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी अफोर्डेबल पड़ेगी मेरे पास से अगर रेंज मेंटेन करेंगे आपको। जैसे ये एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन के नाम से मशहूर है एक प्रोडक्ट, और वो करीब आता है 80 रुपीज़ का 100 ग्राम। 80 रुपीज़ का 100 ग्राम आता है, पीली पन्नी में आता है। लेकिन इसकी आप प्राइस देखेंगे तो MRP 240 रुपये, और ये 1 kg का है। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन ये 200 रुपये का दे रहे हैं इसको, मतलब 20%, मतलब 20-30% तक का डिस्काउंट आपको मिनिमम मिलेगा इसी एंटीबायोटिक्स में भी। ऐसा कोई ब्रांड नहीं, और मल्टी विटामिन्स ग्रोथ बूस्टर्स होते हैं इनमें, मैक्सिमम 50% तक का वो है मेरे पास। ठीक है, जैसे टेट्रासाइक्लिन ये हो गया, ये नॉर्मली सबसे पुराना मॉलिक्यूल है और सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल है। जितने भी आप बुजुर्गों से पूछेंगे, आप जो सीनियर, जिनको जानकारी नहीं है कबूतर परवरी में, एंटीबायोटिक्स की जानकारी नहीं है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल ले आओ, टेट्रासाइक्लिन पाउडर ले आओ, उनके क्योंकि एक जबान पे एक ही ब्रांड रखा हुआ है टेट्रासाइक्लिन। जबकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो मॉलिक्यूल है, इस ब्रांड का नाम टेट्रा केयर है। अच्छा, इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है, जो अंदर का सॉल्ट होता है वो टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, तो ये 1 kg का है। बहुत बढ़िया जानकारी दी, मतलब ये काफी लोगों को मदद करेगी जी। बस कौन से क्या है, आप एंटीबायोटिक में आपको वो गोल्डन क्या है इमरान भाई, कौन सी वाली वो जी, वो गोल्डन, ये क्या है गोल्डन, ये तो अपने पर्सनल यूज का है। अच्छा, ये एक्चुअली क्या रहता है, ये है कोड लिवर ऑयल कैप्सूल। अच्छा, चलिए इसके बारे में मैं बताया था। ये कोड लिवर ऑयल कैप्सूल है, 7 cc का, हर जगह आपको मिल जाएगा, 350-400 रुपए का एक डब्बा आता है 100 कैप्सूल का। ठीक है, जो नॉर्मली दो दो बच्चे पलवाते हैं कबूतर वाला, ज्यादा दो दो बच्चे पलवाते हैं क्योंकि लालच ज्यादा रहता है। तो मेरा पर्सनल जो यूज़ करता हूँ मैं कबूतरों पे, वो ऐसा करता हूँ कि हफ्ते में एक एक कैप्सूल नरों आदमी को जरूर देता रहता हूँ, जो दो बच्चे पालते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से, इनकी वजह से इन्फर्टिलिटी भी नहीं आती, क्योंकि कोल्ड लिवर ऑयल कैप्सूल जो है वो बहुत ताकतवर होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी इसके अंदर। तो हफ्ते के अंदर बहुत रिकवरी मोड में रहते हैं कबूतर। इसके साथ में अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन है मेरे पास, आजकल अपर RTI के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन सब जगह यूज़ करने में मिल जाएगा। अब ज़्यादातर मैं भी पहले प्रमोट करता था ह्यूमन मेडिसिन का क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये एरिथ्रोमाइसिन है, ये करीब कितने MRP इसके 550 रुपये। अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन आप टेबलेट भी दे सकते हो, जो ह्यूमन यूज़ वाली आती है, 4 टुकड़े करके, सभी बोलते हैं कि 4 टुकड़े करके आप दे दीजिए, है ना, 200 mg तक की, 500 mg की आती है टेबलेट। तो अगर बात करें तो 6 टेबलेट जो एरिथ्रोमाइसिन की आती हैं, 10 टेबलेट आती हैं, वो आती हैं 150 से लेकर 200 रुपये तक की 10 टेबलेट। ठीक है, अगर आपने 10 टेबलेट ली तो 10 टेबलेटों का वजन कितना होगा, 10 टेबलेटों का वजन कितना होगा, इतनी सी टेबलेट रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2 ग्राम या 3 ग्राम जी। ठीक है, और जो डोज होता है ना, जो एंटीबायोटिक का डोज होता है एनिमल्स, बर्ड्स, इनके लिए खासतौर से बर्ड्स और एनिमल्स के लिए, वो होता है एज पर क्वान्टिटी ऑफ द वाटर। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम या 2 लीटर के अंदर 1 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन द क्वान्टिटी ऑफ बर्ड्स कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं वो पानी से। ठीक है, तो इसमें ये अफोर्डेबल पड़ेगा अब आपको। आप 10 गोली डालेंगे मिला के, तो क्योंकि 2 ग्राम होगा वो, 2 ग्राम के अंदर 2 ग्राम 4 लीटर पानी में, तो आपका 200 रुपए की एक साथ चली जाएगी। जबकि 550 रुपए का बॉक्स है,
तो ये आपका चल जाएगा 3 साल 4 साल। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कबूतर सही होना चाहिए अल्टीमेटली। जी जी, क्योंकि किसी के पास एकदम 550 रुपए खर्च करने का भी नहीं होता, तो जाके मार्केट से टेबलेट लिया था, 20-25 रुपए की एक टेबलेट मिलती है, तो उससे ट्रीट कर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कई चीज एम्प्रोलियम है, एम्प्रोलियम जो है सूखे के लिए खासतौर से होता है, एम्प्रोलियम जो सूखा पड़ता है, जी हाँ, सूखा जो होता है ना, सूखा खासतौर से होता है, कबूतर जब बीट खाने लगते हैं खुद की बीट, तो उससे क्या हुआ, प्रोटोजोल वर्म्स होती है वो पैदा हो जाती है पेट के अंदर। अच्छा। और प्रोटोजोल वर्म्स सबसे बाहर निकालना सबसे मुश्किल काम होता है, आप डिवॉर्मिंग करेंगे, डिवॉर्मिंग से सारी वर्म्स निकल जाएंगे, लेकिन प्रोटोजोल वर्म्स बाहर नहीं निकलेंगी, जिसकी वजह से अगर सूखे में गया हुआ है कबूतर तो बाहर नहीं आ पाएगा, चाहे आप कितनी डिवॉर्मिंग कर लें। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो मेडिकल फील्ड का इस शौक में आता है तो उससे जानकारी कुछ जी परसेंट बढ़कर ही मिलती है। होता क्या है, मैंने अपने 20 से 22 साल सिर्फ दवाई गोलियों में लगाए जी, ठीक है, तो इससे ज्यादा नॉलेज मेरी जैसी नॉलेज दवाइयों की कबूतर परवरी के अंदर कोई नहीं दे सकता जी, बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें कबूतर परवरी की, तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी कबूतर परवरी के अंदर, कबूतरबाजी के अंदर, अगर मैं उनसे कॉम्पीट करूं कबूतर परवरी या कबूतरबाजी के अंदर, तो साहब मैं उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन जब बात करेंगे दवाइयों की, तो ये अपोजिट हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। इमरान भाई, हम अब क्या दिखा रहे हैं जी, आप देख सकते हैं जितने भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं जी, सप्लीमेंट्स तो खैर हर जगह आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँगा ये कैल्शियम बेस्ट है, तो इससे 10 गुना ज़्यादा बेस्ट कैल्शियम भी कई मार्केट्स में अवेलेबल है। अच्छा। और उनसे लोअर क्लास में भी अवेलेबल है। लेकिन जो एक चीज़ होती है एंटीबायोटिक्स जी, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कब होता है, जब कबूतर बीमार होता है। अच्छा। कबूतरों को फिट रखने के लिए महीने का जो यूज़ करते हैं, कई लोग अलग अलग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स की मेरे पास पूरी रेंज अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे ये वाला एंटीबायोटिक, तो वो वाला एंटीबायोटिक भी मेरे पास है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक की रेंज है कोई नहीं रखता और किसी के पास नहीं मिलते। अच्छा जी। इमरान भाई, अपन तो आपका नंबर वीडियो में दे देंगे, जैसे आप ये दवाइयाँ जो भी एड्रेस रहता हर एड्रेस पे सप्लाई कर देते हो ना बाकायदा? जी हाँ जी। जो लिक्विड आइटम जो होते हैं ना, वो जितने भी पिन कोड अवेलेबल होते हैं वो सबके सब जाते हैं रेगुलर, ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आज सुबह आया तो अभी पैकिंग करके रख दिया मैंने ये वाला। अच्छा। तो ये अभी ये कहाँ का है, नासिक का है ये। अच्छा जी हाँ, तो ये पैक करके रख देते, 4:30-4 बजे जो हमारा पार्सल ऑफिस का जो लड़का है वो आएगा, एक साथ लेके चले आएगा, जितने 4 होंगे 5 होंगे कुरियर, तो वो सारे इकट्ठे करेगा और 3 जगह में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, पर डे आप जी हाँ सारा पैक करके शाम को सप्लाई करवा देते हो? जैसे 3 बजे तक जो भी ऑर्डर्स आ जाते ना, क्योंकि मैं जब वर्किंग खत्म करके आ जाता हूँ घर वापस 3 बजे तक, तो हल्के हल्के 1 घंटे में पैकिंग हो जाती है सारी। जी अभी जा रहा हूँ उससे पहले तो जो टाइम मिलता है उसमें पैकिंग हो जाती है, वरना एक दिन लेट होती हो तो वो रहता है। ठीक है इमरान भाई, अपने पास आइटम क्या क्या है, जैसे कि प्रोटीन वगैरह, दवाई वगैरह ये सब है, और इसके अलावा जो एसेसरीज है जी, ड्रिंकर फीडर वगैरह, रेंज बहुत ज्यादा होती है एसेसरीज के, तो इसलिए एसेसरीज के अंदर नहीं गुजरा मैं। जबकि ये मेरे पास प्लेट्स, जैसे बेसिक अपन फास्ट दिखा देते हैं, जैसे ये है फीडर से, ये है ना 1/2 फुट से लेके 3.25 फुट तक की अवेलेबल है मेरे पास, तो जिसकी जैसे कबूतर होते हैं तो उनके हिसाब से रिंग वगैरह ये सभी भी चीजें वगैरह नीचे रखी हुई है, आप देख सकते हैं सारी की सारी रिंग वगैरह जी। ये बच्चों को खिलाने के लिए ना फीडर पंप, फीडर पंप मेन बॉक्स रखे हुए पूरे भरे हुए, और इवन रेस्ट स्टैंड जो आते हैं पर्चेज है साथ में, ऊपर ये ब्लू कलर के अंदर है मेरे पास अभी अवेलेबल, जो कई डिफरेंट कलर्स में जो आती है वो भी मेरे को डीलर्स मिले नहीं है उसके, तो इसलिए मैंने कलर्स में आई नहीं है मेरे पास। ये अपने लोगों के साथ जी हाँ लोगो देता है इसमें लोगो। और बाकी आप अगर सप्लीमेंट्स की अपन जो बात कर रहे हैं, अगर जो नॉर्मली कबूतर पालते हैं है ना, जिनको सिर्फ ब्रीडिंग करवाने रहती है, क्योंकि आपने देखा अगर कहीं पे भी 1,000 कबूतरबाज हैं, तो 1,000 कबूतरबाज में जो उड़ाने वाले निकलेंगे वो निकलेंगे 40-50, बाकी के जो 950 लोग हैं वो ज़्यादातर ब्रीडिंग करवाते हैं, तो ब्रीडिंग के लिए पूरी रेंज अवेलेबल है मेरे पास। मेनली 4 प्रोडक्ट लगते हैं ब्रीडिंग कोई भी कराता है, अगर 4 प्रोडक्ट उसके पास हैं तो उसके कबूतर आगे जाके इनफर्टिलिटी में भी नहीं आएंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे, बीमारियों में भी कम पड़ेंगे अगर आप सप्लीमेंट्स बराबर दे रहे हैं। अच्छा तो, इमरान भाई एक ये नई चीज़ देख रहा था मैं, ये क्या आइटम है? ये अपना वुडन ट्रे है, फीडिंग ट्रे जी। ये हमारे जो मेरे भाई है, हमारे पीर भाई, उन्होंने स्पेशली बनाई है ये। इसमें करीब 30 से 40 करीब कबूतर आराम से खा सकते हैं, और 8 इंची
वुडन प्लाई की बनाई है उन्होंने ये। अच्छा। और ये सब चार ही हैं, पांच हैं सॉरी मेरे पास टोटल मिला के, है ना। और इसके बाद बनवाना भी नहीं है ये, सिर्फ इनसे कम इंच में बनेंगे, मतलब इनका जो वेट है ना वो है करीब 8 से 10 किलो। अच्छा। एक प्लेट का, तो जिसके पास भी अगर ये एक चली गई ना तो उसके पास 5 से 10 साल तो उसके पास नहीं है, 5 से 10 साल उसे दूसरे फ्रिज वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नकली अंडे, नकली अंडे डमी एग्स कहा जाता है इन्हें। तो डमी एग्स हैं, बारिश के अंदर खास तौर से यूज होते हैं क्योंकि कबूतरों के अंडे नहीं लिए जाते, सीजन आ ही रहा है इनका इस्तेमाल का। बाकी इसके अंदर जो है रेस्ट स्टैंड पड़े हुए हैं, ये जगह मेरे पास बहुत कम है जगह का। ये एक एनजीओ ने रखवा है मेरे पास, एनजीओ है तो स्पेशली स्पेरोस के अंदर करते हैं स्पेरो को बचाने के लिए। ठीक है जी, शुक्रिया इमरान भाई जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी, मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें यूनिक थी जिसे मैं देखी समझी। ठीक है, धन्यवाद आपका, शुक्रिया दे दिल से जो आपने अपना कीमती समय दिया जी।